माननीय नेताजी का प्रश्न बहुत सेंसिटिव है, ध्यानाकर्षण भी आता है इनका और प्रश्न भी आता है, तो मैं नेताजी खुद नेताजी को बधाई दूंगा कि लगातार इनका प्रश्न जिस प्रकार सुअर और बाघ की चिंता करते हैं, तो उसके लिए मैं उनको बधाई दूंगा कि ध्यानाकर्षण भी आ रहा है, प्रश्न भी आ रहा है, तो मूक पशुओं की चिंता माननीय नेता प्रतिपक्षी करते हैं, नेताजी खुद बहुत सेंसिटिव है। एक मैं कहता बाघ बाघ कथे भैया, बाघ कहाँ से आए हो? बाघ ढिला है मो चरण दास महान जी के जय बैरी में फोर करे जा खाए। मैं तो गोमर्दा से विशेष प्रेम है आपको, मैं अभ्यारण जाऊंगा वहाँ। महन जी एक मिनट सर, अध्यक्ष महोदय गोमर्दा का बहुत जिक्र करते हैं सर, ये बहुत गंभीर मसला उठाते हैं और कम से कम शेर की रक्षा के लिए आगे आए हैं। नहीं गंभीर है वो। मैं तो आपसे एक निवेदन कर रहा था साहब, आप आसंदी से एक आदेश जारी करें, जैसे विद्याचरण शुक्ल जी जब दिल्ली में केंद्रीय मंत्री थे तो अपने घर में शेर पाले थे, एक छोटा सा शेर का बच्चा हमारे बहन जी के यहाँ भी दे दीजिए, उनका नया बंगला भेंट कर दें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से भेंट करवा। अध्यक्ष महोदय, धर्मजीत भाई जी ने जो चिंता व्यक्त की है वो तो मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि आप राजघराने से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए शेर पालने की जो इच्छा और जवाबदारी है वो आपकी है, हम जैसे तो गरीब लोग हैं। राजघराने से संबंध इनका भी है, स्वाभाविक मृत्यु के बारे में। राजघराने से बहुत नजदीकी संबंध आपका? नजदीकी संबंध आप कहे छुपा रहे हो। बाघ के बारे में मेरा प्रश्न था सर, उसके उत्तरदायित्व के बारे में इनने जो जानकारी दी उसको मैं पढ़ देता हूँ पहले, कि उन्हें नवंबर में ये पता लग गया कि एक बाघ आया है, वो बाघ 16 से 18 जनवरी के बीच मर गया, पोस्टमार्टम भी हो गया। वही उड़िया वाला है क्या, उड़ीसा शायद है? वही वाला। चलो, उस ध्यानाकर्षण में उनको विस्तृत जानकारी हो चुका है, वो भाषा नहीं जानता था इसलिए फंस गया सर। उड़िया बताइए भाई, उड़िया नहीं अभी बताना नहीं, उनको सोचने दीजिए थोड़ा। मेरे ध्यान आकर्षण के प्रश्न में मैंने यही कहा था कि बहुत इसमें घपला है, इसको आप एक विधायक की कमेटी बैठा के जांच करा दीजिए, इतना ही कहा था मंत्री। और आपने नहीं सर, सर 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 आपने स्वीकार किया है कि न्यायिक जांच चल रही है और इसलिए हम चुपचाप बैठ गए। आप बता दो कौन सा न्यायिक जाँच चल रहा है, आपको विभाग वाले असत्य कथन कहला रहे हैं, और अगर उसी को आप कहना चाहते हैं तो फंस जाओगे आप। विभाग न्यायिक जांच करा रहा है आपने कहा है, तो मुझे बताइए कौन न्यायिक जांच कर रहा है, किसके आदेश से हो रहा है? वो तो एक चिट्ठी में ज्यादा भरोसा मत करिए, उसने हम माननीय अध्यक्ष महोदय, जो गोमड़ा में जो घटना घटित हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बाघ की मृत्यु हुई, लेकिन जो वहाँ पर जिन लोगों को आरोपी के रूप में हम लोगों ने कहते हैं गिरफ्तार भी किया है, मैं उनके नाम भी देख रहा था अध्यक्ष महोदय, और वो जिस तरीके से उन्होंने अपने खेतों की सुरक्षा के लिए, फसलों की सुरक्षा के लिए उन्होंने कहते हैं जो तारवार लगाया था, और उनकी मंशा ये नहीं थी कि वो मतलब बाघ को कहते हैं शिकार करें, उनकी मंशा ये थी कि कोई भी कहते हैं जंगली जीव या फिर कोई जंतु उनके कहते हैं खेतों को के फसल को नुकसान ना करे, लेकिन दुर्भाग्यवश वहाँ पर जो घटना घटित हुई और उसमें एक बाघ की मौत हुई और उसकी जांच भी चल रही है अध्यक्ष महोदय। और अध्यक्ष महोदय मैं सीधा जांच के तहत में माननीय मंत्री से जानना चाहता हूँ कि न्यायिक जांच चल रहा है आपने कहा है, ये मेरे पास उस दिन का आपके विधानसभा का आपने स्वयं कहा था, मंत्री जी किस स्तर की जांच होगी बता दीजिए, तो माननीय मंत्री जी ने कहा था अध्यक्ष महोदय क्योंकि अभी इसमें न्यायिक जांच चल रही है इसलिए इसमें अलग से कोई कमेटी गठित करने की आवश्यकता नहीं है, जांच की जैसी पूरी रिपोर्ट आएगी उसके बाद फिर मैं इसमें अलग से कार्रवाई करूंगा, और उसके बाद आपने मुझे चुपचाप बैठा दिया था। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि वो न्यायिक जांच कौन सी चल रही है बता दें, कितने लोगों को सजा दी, क्यों सजा दी, कैसे सजा दी, और सबसे बड़ी बात यह है महाराज ये कैमरे से ट्रैकिंग होती है क्या? ट्रैकिंग तो कैमरे से होती नहीं है, ट्रैकिंग से आप बाघों की गणना कर सकते हैं, सूरों की गणना कर सकते हैं, हिरण की गणना कर सकते हैं,
ये कैमरे से कैसे ट्रैकिंग हुई कि आप आठ आठ लोग आठ आठ कैमरा बुला के उसका ट्रैकिंग कर रहे हैं? मेरा कोई प्रश्न नहीं है मंत्री जी, आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, टेंशन ना पालें, चुपचाप जवाब मंगा लें कि न्यायिक जांच का मुझे बता दीजिए, न्यायिक जांच क्या चल रही है और आपने असत्य कथन क्यों कहा है, अगर कहा है तो उसके लिए माफ़ी मांगिए और माफ़ी मांग कर ये कहिए कि ये जो इसमें इतने घपलेबाजी जो दिखा रहे हैं आप, उसकी जाँच विधायकों के द्वारा विधानसभा सदन से होगी। अध्यक्ष महोदय जी, मोदी जी आप बघुआ के बहुत प्रेमी हैं, साउथ अफ्रीका लारिस जाना था ना चितवा, तब अगर चितवा खोलू महाराज जाते कैसे कर वो, हमन तो बड़ा मरण हो गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी ने जो प्रश्न किया है उसके तहत में जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के मानक जो कहते हैं प्रचलन प्रक्रिया है SOP के अनुसार, वन्य प्राणी बाघ की मृत्यु की घटना के संबंध में जांच अधिकारी की नियुक्ति वन विभाग को ही करना है और उसकी नियुक्ति की जा चुकी है अध्यक्ष महोदय, और जिसमें हमने वन क्षेत्रपाल स्तर के राजपत्रित अधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया है अध्यक्ष महोदय, और उसमें हम लोगों ने आगे कार्रवाई को बढ़ाया है। जहाँ तक जो कैमरा की बात करें, ट्रिप कैमरा ऐसा कैमरा है अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं उसके फोटोग्राफी भी दिखा देता हूँ। ट्रिप कैमरा से इतना सेंसिटिव होता है अध्यक्ष महोदय कि वहाँ उसके सामने कोई भी जीव जंतु या हम और आप भी चले जाएंगे तो उसकी फोटोग्राफी वहाँ पर तत्काल फोटोग्राफी होती है, फोटो छपती है, उसमें गणना होता है, ट्रैकिंग नहीं होता। अब ये किताब आपके विभाग वालों को दिखा देता हूँ, मैं पढ़ के आया हूँ, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश ना किया जाए। मैं तो कह रहा हूँ जांच की आदत दिखाइए मुझे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने उत्तर में कहा ना कि वहाँ पर एक ट्रिप कैमरा कहते हैं हम लोगों ने लगवाया है पूरे उसमें लगभग 12 से ऊपर हम लोगों ने ट्रिप कैमरा वहाँ पर लगवाया। उसके अलावा ट्रैकिंग भी किया गया, ट्रैकिंग के माध्यम से दिन एक एक दिन पे मैं उसका, यदि आप चाहें तो मैं उसका भी विवरण दे देता हूँ कि किस किस तारीख को मुझे विवरण बिल्कुल नहीं चाहिए। ट्रैकिंग किया गया, आपने मुझे बैठा दिया था, मुझे चाहिए न्यायिक जांच। हमने ही नहीं किया, बल्कि उड़ीसा के जो कहते हैं वन विभाग के अधिकारी हैं। मंत्री जी आप परेशान मत होइए, मैं कह रहा हूँ न्यायिक जाँच, न्यायिक जाँच कोई छोटी मोटी विषय है नहीं। एक तो इसको सरकार करती है, आपका विभाग करा नहीं सकता, इसमें जज नियुक्त होते हैं, वो आप कर नहीं सकते, आपका विभाग नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ न्यायिक जांच की बात कर रहा हूँ। आपने क्यों कहा कि न्यायिक जांच चल रही है, इतना सा बोल दीजिए मेरे से गलती हो गई, झूठ बोल रहा हूँ, खेद व्यक्त करता हूँ, और मेरी मांग को स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, चलिए न्यायिक जाँच का बता दीजिए हुआ है कि नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के धारा 55 के अधीन यदि अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है तो शिकायत अभियुक्त की गिरफ्तारी तिथि से 60 दिन के अंदर फाइल कर दी जानी चाहिए, जो हम लोगों ने किया है। एक से अधिक अभियुक्त होने के मामले में 60 दिन की अवधि पहले अभियुक्त की गिरफ्तारी की तिथि प्रारंभ होती है, और इसी प्रकार इस मामले में 60 दिन की अवधि 25 मार्च 2024 को खत्म होने के पश्चात मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी में कोर्ट चालान परिवाद नियमानुसार दायर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, उसके यदि आप उस जांच से संतुष्ट नहीं है न्यायिक न्यायिक जांच चल रही है बोला है, न्यायिक जांच कहां है, तो सिंपल प्रक्रिया है। आपके सदन में आपने कहा है, असत्य कथन आपके विभाग वालों ने आपसे कहलाया है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। न्यायिक जांच के बारे में बताइए सर, न्यायिक जांच चल रही है? मैं चुपचाप बैठा हूँ। मैंने जो उत्तर दिया मुझे लगता है कि शायद उसका गलत तरीके से वो किया गया, लेकिन मैंने जो जानकारी आप उसके लिए खेद व्यक्त करिए तक न्यायिक जाँच प्रक्रिया को हमको करना है। न्यायिक जाँच आपने कहा है और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे बैठा दिया, मैं न्यायिक जांच सुन के बैठ गया। मुझे बताइए न्यायिक जांच के आदेश दिखा दीजिए कैसे चल रही है, और कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने जो जवाब दिया है अध्यक्ष महोदय बड़ी शिष्ट में, तो ऐसा लग रहा है वो भगवा महाराज जेड प्लस श्रेणी में आते हैं। विशेष से छत्तीसगढ़ हाँ ट्रैकिंग हो रही है, बता रहे हैं ना, बता रहे हैं, इतने पॉइंट दिए हैं।
और जेड प्लस वाले बाघ को आप कब गायब हुआ पता नहीं, कब मरा पता नहीं, कहाँ गड़ाए पता नहीं, क्या हुआ पता नहीं, और पूछने पे आप कह रहे हैं न्यायिक जांच हो रही है। मैं तो कह रहा हूँ आप खेद व्यक्त कर दीजिए कि न्यायिक जांच नहीं हो रही थी, और हम लोग जो चाहते हैं विधायकों के उससे समिति से जांच करा लीजिए करा लीजिए, उसमें इनका क्या जा रहा है, इनका क्या बिगड़ रहा है, मेरा क्या बिगड़ रहा है, सदन का क्या बिगड़ रहा है, सदन को असली तथ्य है वो पता लग जाएगा। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें मैंने पहले ही कहा कि इसमें जो अभियुक्तों को पकड़ा गया है, 9 अभियुक्त इसमें पकड़े गए हैं, उनको जेल के अंदर ढाला भी गया है, और उसके अलावा यदि और भी इसमें कोई दोषी होगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। कोई कार्रवाई चाहते हैं तो अभी दोषी का सवाल ही नहीं है, दोष का सवाल ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ इनने अपने मुँह से कहा है, सदन में कहा है कि न्यायिक जाँच चल रही है, मुझे ये बता दे कि न्यायिक जांच का आदेश दिखा दे, बस मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा हूँ। किसको सजा देंगे, किसको मारेंगे, कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा, मुझे कोई मतलब नहीं। आपने न्यायिक जांच कहा है, ये आपने गलत कहा, जानकारी सुधार लें, कहा आपकी जानकारी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आपका नहीं भाई, हर बार उठने की जरूरत नहीं होती, जब नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं जवाब आ जाने दीजिए, किसी को सपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती, वो सक्षम है। माननीय मंत्री जी बता दीजिए न्यायिक जांच के बारे में। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो न्यायिक जांच के संदर्भ में कहा वो मेरा उसका जो आशय था उसका जो वो था, वो जो हमारे जो इसके लिए जो केस चल रहा है ये क्रिमिनल केस के तहत में हम लोगों ने किया है, इसके लिए हमने कहा, मैंने कहा चलिए ठीक है ना, जांच में आपने ऐसा नहीं कहा कि सर क्रिमिनल केस के बराबर ही केस है, इसमें भी 10 साल की सजा होती है, और अगर आप लोगों को वन विभाग वालों को तकलीफ है कि इसमें तार लगा के मार दिए जाते हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि वन विभाग में बहुत सारे सुअर आ गए हैं वन जंगल में, तो उन सुअरों की गिनती करवा लीजिए, ये तो कर सकते हैं ना। आपके जंगल में चाहे यहाँ के जो आपके अभयारण्य हैं वहाँ अगर सुअरों की संख्या बढ़ गई है तो एक बार सुअरों की भी गिनती करवा लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है। बहुत चलिए ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, सुअर कहाँ करिए मन ठीक, सुअर को गिनवा लो बोल रहे हैं बस जी, जितने भी वन प्राणी होंगे हम उनकी गिनती करवाएंगे।